धर्म की परिभाषा कर रहे हैं कि धर्म निंदनीय है जो उसका फल स्वर्ग है, लेकिन अगर इस प्रकार का कर्म हो जैसा हम बताने जा रहे हैं तो वो वंदनीय है, उसका परिणाम माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति है। जो भगवान के निमित्त हो, एक कर्म होता है देवताओं के निमित्त, स्वर्ग के देवता इंद्र वगैरह उनके निमित्त कर्म होता है वर्णाश्रम धर्म का, वो न हो भगवान और महापुरुष इनके निमित्त कर्म हो, ये दिव्य है मायातीत है इन्हें त्रैगुण्य है, तो वो कर्म कर्म है और उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। हरि के निमित्त जो भगवान ने गीता में कहा है मेरे निमित्त कर्म करो तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जिस कर्म धर्म से भागवत की परिभाषा बता रहे हैं तत्कर्म हरिपोषम व्यक्त, वास्तव में कर्म वो है जिससे भगवान की संतुष्टि हो, भगवान प्रसन्न हो, जो भगवान वाला कर्म कर्म है उसका परिणाम भगवत प्राप्ति और माया निवृत्ति है। जिस कर्म धर्म से वो गोविंद राधे श्यामा श्याम तुष्टि वही कर्म बताते
नहीं पाते, ये तो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ेगी। जो कर्म करेगा संसार में, बड़े बड़े महापुरुष प्रहलाद ध्रुव अम्बरीश सारी पृथ्वी के राजा करोड़ों वर्ष राज्य किया, ये दिखाई पड़ा लोगों, लेकिन उनका मन भगवान में ही था। ये तो प्राइवेट बात है, महापुरुष को जानते हैं। अर्जुन ने हजारों मर्डर किए, हनुमान जी ने लंका जला दिया, ये तो सब लोगों ने देखा, कर्म है। लेकिन भीतर से उनका मन श्री राममय था, ये महापुरुष को जानते हैं। तो अगर मन भगवान में है तो वो कर्म योग हो गया, उसका बंधन नहीं होता। और अगर भगवान के मन का अटैचमेंट नहीं है, प्योर कर्म है, तो बांध लेगा, 84 लाख में घुमाएगा। कर्म विकर्म अकर्म, एक कर्म संन्यास भी होता है, लेकिन दो बात जानना जरूरी है, एक कर्म करो साथ में भगवान की भक्ति हो, एक ये, और एक कर्म ना करो केवल भगवान से भक्ति हो, ये दो कल्याण कृत है। और तीसरा, कर्म करो विधिवत करो स्वर्ग मिलेगा, चौथा मनमाना कर्म करो नरक मिलेगा। निरंतर धारा
मिनट रहे, ये नहीं कि हमने सवेरे 5 मिनट 10 मिनट एक घंटा भगवान का ध्यान किया था, अब हम संसार का वर्ग कर रहे हैं तो हम भी बड़ी हो जाएंगे कर्मबंधन से, ऐसा नहीं। कर्म करते समय भी मन का अटैचमेंट भगवान में हो, ये चिंता का सार। गीता का सार जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, उसको संयोग कहते हैं। योग योग मैंने जुड़ जाना, जीवात्मा परमात्मा से विमुख होने के कारण पृथक है, संसार में आसक्त है। जब भगवान में आसक्त हो जाए, भगवान से जुड़ जाए, तो उसका नाम योग। Thank you.
तमाम लोग योगी बने, बड़े बड़े योगी, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, अरिमा लगिमा की प्राकाम्य वगैरह। लेकिन ऐसा कोई योग नहीं है, ऐसा कोई योगी नहीं हुआ है जो माया को समाप्त कर दे। योग से माया समाप्त नहीं होती, सिद्धि सिद्धि मिल जाती है। मन का निग्रह होता है लेकिन वह चिंप नहीं होता, सदा के लिए नहीं होता, क्योंकि मन दिव्य नहीं होता, क्योंकि भगवत कृपा नहीं प्राप्त कर पाता। तो या तो मन समाप्त हो जाए या तो दिव्य हो जाए, तभी माया से छुटकारा मिलता है। लेकिन इन दोनों बातों के लिए भगवत कृपा आवश्यक है, इसलिए योगी को संसार में फिर आना पड़ता है, बार बार चौरासी लाख में घूमना पड़ता है। बिना भगवत भक्ति के जो माया निवृत्ति नहीं हो सकती। भगवान का पुत्र, सृष्टिकर्ता, विधाता, एक ब्रह्मांड का राज्यपाल, वेद का आदि ज्ञाता, योग बल से ब्रह्मा ने कुछ नाल का पता लगाना चाहा, जो नाल ब्रह्मा की मां के रूप में प्रकट हुआ। भगवान के नाभि से नाल निकली और उसी नाल से ब्रह्मा पैदा हो गया। तो ब्रह्मा ने ये सोचा कि मैं पता लगाऊं ये नाल कहां से आई है। योग बल से समाधि के द्वारा नाल में प्रवेश किया और युगों संस्था रहा नाल से, और भगवान के पास तक नहीं पहुंच सका, हार गया और लौट आया। तो योग बल क्या करेगा, भगवान के पास वो ले ही नहीं जा सका ब्रह्मा को, और उसको क्या ले जाएगा। ब्रह्मा ने संसार के बुद्धू लोग उनके चक्कर में पड़ करके उनकी बड़ी सेवा करते हैं, गुरु मान करके पूजा आरती करते हैं, बस ये लाभ उनको होता है, माया की वृत्ति नहीं होती। एक सत्य कथानक है, मथुरा में एक योगी और एक भक्त दोनों यमुना पार जाना चाहते थे दुर्वासा के आश्रम में। तो सस्ते का जमाना था, दो पैसे में नाव यमुना पार करा देती थी। वो भक्त ने दो पैसा दिया और नाव से पार चला गया। योगी ने कहा, तुम्हारे भगवान यमुना पार नहीं करा सके तो भाव सागर क्या पार कराएंगे। देखो मैं चलता हूँ पानी के ऊपर। वो पानी के ऊपर चल के पहुंच गया उस पार। तो भक्त ने कहा कि हमारे भगवान की कीमत दो पैसा नहीं है, दो पैसे में हम नाव से चले आए, उसके लिए हम भगवान को बुलाते और तुम्हारी योग शक्ति कितनी खट हो गई पानी पर चलने से, ऐसे 10 बार चलोगे ना
बुद्धि देकर योगियों को बुद्धू बनाया जाता है। भक्त बुद्धू नहीं बनता है, वो बुद्धिमान है। योगियों को योग शक्ति